कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। इससे उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अपनी इन परेशानियों से अवगत कराने भागलपुर शहर के विधायक अजीत शर्मा के आवास पर वे पहुंचे और उन्हें लॉकडाउन से होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। उसके बाद विधायक अजीत शर्मा लोगों को हो रही परेशानी से अवगत कराने जिलाधिकारी प्रणव कुमार के पास पहुंचे और उनसे लाचार एवं जरूरतमंद लोगों को 15 दिनों का निःशुल्क राशन एक मुश्त देने की मांग की है। वहीं विधायक ने उनकी परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखने की बात कही है। सन्मार्ग के लिए भागलपुर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं, जिनको जो काम नीचे रोज दिन दहाड़ी मांग का मजदूरी करते हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हों, ठेला वाले हों, घर में पोछा पोछा करने वाले हों, घर में काम करने वाले हों, भुंजा बेचने वाले, बहुत सारे ऐसे ऑटो चलाते हैं, बहुत से लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो देख रहे थे कि सरकार के द्वारा प्रशासन कुछ बट नहीं रहा है। तो मेरे यहाँ भी इधर 3-4 दिनों से करीब 6-7 हज़ार लोगों ने आवेदन दिया है अपना अपना कि हम लोग को खाना नहीं है। वही मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख रहा हूँ और यहाँ भी सोचा कि जिला पदाधिकारी बताऊँ क्या कर रहे हो आप लोग। उन्होंने बताया है कि कल तक कुछ ना कुछ होगा और हमने कहा कम से कम 15 दिन का राशन एक बार उनको दे दीजिए, सबों को, चावल हो, दाल हो, आलू हो, लेकिन अभी तक दिशा निर्देश उनको मिला नहीं है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री को वो पत्र आज फिर से भेज रहा हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कल तक निश्चित तौर पर, कल के बाद सभी वार्डों में जो लोग ऐसे हैं जिनके पास अनाज नहीं है, खाने को नहीं है, निश्चित तौर पर उनको अनाज मुहैया कराया जाएगा। यह मैं पूर्ण विश्वास आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूँ।